हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, पिनिच्चियो। चैप्टर का नाम है पिनिच्चियो। ये क्या है ये आप इस चैप्टर में समझ जाएंगे कि पिनिच्चियो है क्या। ओके, यस। 7 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और साथ साथ अपने एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू जारी रखें, यानी उसको हमेशा पढ़ना है, यानी आप अपने टेस्ट की बेस्ट तैयारी करें। ओके, यस। तो चलिए अपन आज अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए ओल्ड कारपेंटर। कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई क्या होता है? वह आदमी जो लकड़ियों का काम करता है, बढ़ई। जैसे मेज बनाना, कुर्सी बनाना, खिलौने बनाना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बढ़ई। हिंदी में क्या बोलेंगे? बढ़ई। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कारपेंटर। ओके। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक देर वाज ए ओल्ड कारपेंटर, एक बूढ़ा बढ़ई था। ही नेम वाज गपेचो, उसका नाम क्या था? गपेचो, याद रखना, एग्जाम्स में आ सकता है, गपेचो। ही मेड वुडन थिंग्स फॉर द पीपल्स ऑफ द विलेज, उसने अपने गांव के लोगों के लिए लकड़ी की चीजें बनाई। वहाँ जिस गांव में रहता था वहाँ लकड़ियों का काम कर रहा था, और ही मेड वुडन, उसने थिंग्स फॉर पीपल इज विलेज, उसने गांव के लोगों के लिए लकड़ी की चीजें बनाई, जिस जिसको उपयोग करनी है वो वहां से ले जा सकता था। फिर देखिए, ही मेड वुडन टेबल्स, चेयर्स, क्लॉक्स, टॉयज, इटीसी, यानी उसने लकड़ी की मेज, कुर्सियां, घड़ी, खिलौने आदि बनाए। उसने, उस गपेटो ने और उस कारपेंटर ने चेयर्स बनाए, क्लॉक्स बनाए, टॉयज और टेबल्स बनाए। ही लव्ड वर्किंग विथ वुड, वह लकड़ी के काम के साथ, वह लकड़ी के साथ काम करना पसंद करता था, यानी गपेटो था, उसको यहाँ वर्क बहुत पसंद था, यानी लकड़ी के साथ काम करना उसको बहुत पसंद करता था। बट लेकिन गपेटो वाज नॉट हैप्पी, लेकिन गपेटो खुश नहीं था। वो काम करना तो बहुत पसंद था लेकिन उस वह खुश नहीं था। फिर देखिए, ही वाज एलोन एंड सैड, खुश नहीं था, वह अकेला और उदास था। वह अकेलापन और हमेशा उदास रहता था। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ही एलवेज विशेज फॉर ए बेबी बॉय, उन्होंने हमेशा एक बच्चे की कामना की, यानी वह चाहता था कि मेरे एक बच्चा हो। ही वॉन्टेड टू हैव ए चिल्ड फॉर हिज ओन, यानी वह खुद का बच्चा, यानी वह ऐसा सोच रहा था, और ऐसा विश, यानी हमेशा, एलवेज यानी हमेशा, विश यानी हमेशा बच्चे की कामना, बीस यानी कामना करना, यानी वहां हमेशा एक बच्चे की कामना करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉन्ट टू द मार्केट टू बाय सम वुड्स, वहां कुछ लकड़ी खरीदने के लिए बाजार गया। एक दिन गपेटो वहां लकड़ी खरीदने के लिए बाजार में गया। वेन ही रिटर्न्ड होम, When he returned home, जब वह घर लौटा, he found that one of the logs to woods was strange, तो उसने पाया कि लकड़ियों में एक लकड़ी अजीब थी। कैसी थी? जो ठीक हमेशा काम करता था तो वह लकड़ियों को जानता था, लेकिन जिस दिन वह बाजार में गया और लकड़ी लेके आया, उसमें एक कैसी थी? अजीब लकड़ी थी। कैसी? अजीब। फिर देखिए,
इट डिड नॉट लुक लाइक रेगुलर वुड। यह नियमित लकड़ी की तरह नहीं देखता था, लेकिन वो अजीब लकड़ी थी, फिर भी वहां उसको देखता नहीं था, क्योंकि वहां एक कारीगर था, यानी कारपेंटर था, तो वहां लकड़ियों का काम करता था, तो उसको ध्यान से कभी नहीं देखता था। ही डिड नॉट बाय दैट स्ट्रेंज वुड, बट ही डिसाइडेड टू कीप इट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। देखिए फिर क्या होता है, उसने उस अजीब लकड़ी को नहीं खरीदा, उसने उस लकड़ी को खरीदा नहीं था, लेकिन उसने उसे रखने और उसमें से कुछ बनाने का फैसला किया। अब वह भूल से उस वह लकड़ी इसके साथ में आ गई, तो उसने उसे रखने और उसमें से कुछ बनाने का फैसला किया, यानी इस लकड़ी से अपन कुछ बनाएंगे। यह उसने कारपेंटर गपेटो ने फैसला किया, यानी डिसाइड किया। फिर वन नाइट, अगली रात क्या होता है, यह अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, इस टॉपिक को मैं एक बार जनरली थोड़ा बता देता हूँ। एक बार की बात होती है, एक बूढ़ा बड़े होता है। क्या होता है, बूढ़ा बड़े यानी कारपेंटर, उसका नाम क्या होता है, गपेटो। वह लकड़ी का काम करना बहुत पसंद करता है। उसने कई मेज बनाए, टेबल बनाए, कुर्सी बनाई, घड़ियाँ बनाई, खिलौने बनाए, और वह यह काम करना बहुत पसंद करता था। लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी था, वह अकेला था और उदास रहता था। क्यों उदास रहता था, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। वह चाहता था कि मेरे एक या कुछ बच्चे हो। फिर वह क्या होता है, एक दिन बाजार में जाता लकड़ी खरीदने, उस लकड़ियों के बंडल के साथ में एक अजीब सी लकड़ी आ जाती है। उस अजीब वह तो कारीगर यानी पेंटर तो कारपेंटर था, तो वह उस लकड़ी को रखने और उसमें कुछ बनाने का फैसला किया। उसने उस लकड़ी को रखा, उसको वापिस नहीं किया, और उस लकड़ी से कुछ एक अच्छा सा क्या बनाता है वो अपन मेरे को पता नहीं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक अच्छा सा कुछ खिलौना बनाने का फैसला करता है। फिर आगे अगली नाइट क्या होता है, वह अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिट से और पेरेंट्स से पर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप अपने टेस्ट की तैयारी चालू रखें, आपको सिलेबस मिल गया है, और इसमें यदि कोई डाउट्स हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।